good morning to one and all who are present here, who are watching this video. और आज भी मतलब 5:35 में उठा था, लेकिन इतना जोर से ठंडा हवा चल रहा था और बिजली कड़क रहा था, जिसके कारण मैं फिर से सो गया. और अभी बज रहा है 8:04. तो आज दिन का शुरुआत है, अभी करते हैं. सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विवेक एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सिनेमा एंड फोटो लाइक अ प्रो. एंड एज ऑलवेज आई एम डूइंग ग्रेट. सो अभी एक्सरसाइज करने चलते हैं. तो बारिश आना चालू कर दिया है. सो हे गाइस, सो गुमला का मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश होता है, रुक जाता है, फिर और बारिश होता है. लेकिन आजकल 2-3 दिनों से गुमला का मौसम बादलों से घिरा हुआ है, मतलब बारिश. सो मेरा वर्कआउट हो गया है और अभी हम कॉफ़ी पीते हैं. वाह मज़ा आ गया, बहुत दिन के बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ. वैसे मैं चाय ज़्यादा प्रिफर करता हूँ. सो अभी बज रहा है 10:09. आप पूछ रहे होंगे कि इतना देरी तक क्या कर रहे थे, मतलब कि मैंने वर्कआउट के दौरान अपना कैमरा रख दिया था, उसके बाद में थोड़ा आराम कर रहा था, यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था. उसके बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको सुन के मुझे गुस्सा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं. आदमी लोग का मेंटालिटी ही वैसा है. सो अभी मैं बताता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ था जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था. सो पापा यूजुअली मतलब मार्केट में सामान लेने गए थे, और कुछ बुक्स स्टेशनरी का सामान लेना था मेरा भाई के लिए. सो गए थे तो जो शॉप में गए थे तो वहाँ पे एक रैंडम पर्सन था, कोई अनजान आदमी. सो ही वॉज नॉट मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड वो मतलब आदमी लोग से सच चल रहा था. सो पापा तो गुस्सा आ गए थे. सो हाँ, जब मैंने भी सुना वो बात को तो मुझे बहुत ख़राब लगा. फिर मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन, जब ये कोरोना वायरस ऐसा फैल रहा है, फिर भी आदमी लोगों को इतना सेंस नहीं है कि वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, मतलब कोई भी किसी से भी, जब वो मार्केट में प्लेस में रहते. तो वो आदमी को जो ओनर था शॉप का, तो उसने भी हड़काया उस आदमी को और भगा दिया. बस यही वाला बात था जिसको मुझे डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा सा, कि अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था. डर भी लग जाता है ऐसा टाइम पे, जब कोरोना वायरस जैसा जो इतना कंटेजियस डिजीज़ है और इतना फास्ट फैलता है. सो डर लगता है हर किसी को. सो बस यही आप लोगों को बताना था. और अब हम अभी तो बज रहा है 10:22, और अभी हम जाते हैं नहाने के लिए, मतलब बहुत लेट में नहा रहे हैं. फिर आप लोग से मिलते हैं. बाय. तो अभी शाम हो चुके हैं अभी, और अभी बजे हैं 6:30, और अभी मैगी खाया जा रहा है. सो हे गाइस, सो आज मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ स्टैनफोर्ड न्यूज़ की तरफ से, जहाँ लिखा हुआ है व्हाई पीपल डू नॉट फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग. और यहाँ पे स्टेट करता है स्टैनफोर्ड न्यूज़, द स्टैनफोर्ड लेड स्टडी फाउंड द मोस्ट कॉमन रीजन पीपल डू नॉट फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग वेयर वर्क रिक्वायरमेंट्स, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कंसर्न एंड बिलीव्स दैट अदर प्रिकॉशन वेयर इनफ. मतलब उन्हें लगता है कि जितना भी वो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो इनफ है इस COVID-19 से बचने के लिए, और वो सोशल डिस्टेंसिंग को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. और एक आर्टिकल था जो BBC न्यूज़ की तरफ से था, इस सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑक्सीमोरॉन इन इंडिया. सो ये BBC की न्यूज़ की तरफ से एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और वो स्टेट करते हैं, इन रूरल इंडिया वे 69% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव, आई हियर सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल.
In villages, people often live as a community. Many families share a single water source and work together on farms and fields. In local markets, shoppers often stand within touching distance of each other, he says. Professor Lambaja. So hey guys, so अभी भी मैं उसी incident के बारे में सोच रहा हूँ जो आज घटी हम लोगों के family में. वैसे हम लोग ने वो सब प्रिकॉशन लिया, उसके बाद हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया हर एक चीज़ को, मतलब जो बाहर से आया. वैसे तो हम लोग रेगुलरली हमेशा करते हैं. और अभी बहुत रात हो रहा है, अभी मतलब लगभग 11:30 हो रहा है. सो इस वीडियो को हम लोग जल्दी एंड करेंगे. सो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि आप जैसे आप लोग सपोर्ट करें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ही पसंद लगता है. सो आखिर में क्या बोलते हैं, क्रिएट योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, बूम एंड स्टे सेफ एंड वॉश योर हैंड. बाय बाय.